गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th हिस्ट्री महाराणा प्रताप की युद्ध के बारे में वीडियो में देखा। अब देखते हैं मंदिर घाटी के बाद में क्या घटनाएं हुई। पहला था शाहबाज खान का अभियान और उसके बाद में प्रताप की युद्ध जो है महाराणा संघा का। प्रताप की युद्ध है अकबर का अंतिम अभियान रहा। इसके बारे में शाहबाज खान हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर प्रताप को पूरी तरह से कुचलने के लिए वीर बख्शी साज शाहबाज खान को 3 बार प्रताप के युद्ध भेजा। 15 अक्टूबर 1957 को शाहबाज खान को प्रथम बार मेवाड़ के युद्ध रवाना किया गया। नोट कर लेते हैं 1577 में शाहबाज खान को भेजा उसने अकबर ने। ठीक है, शाहबाज खान मेवाड़ के लिए रवाना हुआ। प्रथम आक्रमण के समय शाहबाज खान ने केलवाड़ा गांव पर अधिकार कर कुंभलगढ़ का घेरा डाला। फिर भी उसको लेने में सफलता नहीं मिली और कुछ समय बाद प्रताप ने पुनः अधिकार कर लिया। प्रताप राव अक्षय राय के पुत्र बाण सोंदरा को किलेदार नियुक्त कर अपने सैनिकों के साथ ईडर की तरफ निकल गया और चूलिया गाँव में ठहरा। यहाँ भामाशाह उसके भाई ताराचंद ने 25 लाख रुपये एवं 20,000 असलफियाँ राणा को भेंट की। भामाशाह की सैनिक एवं प्रशासनिक क्षमता देखकर प्रताप ने इसी समय रामा महासानी के स्थान पर उसे मेवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। उसने मेवाड़ का प्रधानमंत्री बना दिया किसको? भामाशाह। भामाशाह ने आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाने के बाद प्रताप ने सेना का पुनर्गठन किया और जुलाई 1582 ईस्वी के अवसर पर देखकर दिवेर राजसमंद के दर्रे पर कायम मुगल थाने पर हमला किया। इस थाने पर अकबर के चाचा सुल्तान खान का नियंत्रण था। संघर्ष के दौरान अमर सिंह ने अपना भाला इतनी शक्ति से मारा कि वह सुल्तान खां मुगल को भेजता हुआ उसकी गोली के आर पार हो गया। यह बात थी 1582 की। 1582 के अंदर क्या हुआ, जो किला था दिवेर का किला था दिवेर का किला उस समय जो वहां का थानेदार था उस किले का सुल्तान खान अमर सिंह ने इसको अपने भाले के एक ही वार से इतना तेज वार किया अमर सिंह ने भाले से कि वो जो भाला था वो सुल्तान खान को बीतता हुआ उसके मतलब ऐसे वाला लगाया यहाँ से पूरा जो वाला है पीछे की ओर उसमें घोड़ा भी मर गया। ठीक है, दिवे की ये विजय मानी गई। सुल्तान का वो भेजता हुआ घोड़े के आर पार हो गया। इस प्रकार दिवेर पर एक बार फिर प्रताप ने अपना अधिकार कर लिया और प्रताप के समान ही शक्तिशाली पुत्र थे जिनके उनका नाम था अमर सिंह जिसने सुल्तान का को दिवेर के किले पर आक्रमण करने पर दिवेर पर वापस पुनः युद्ध किया गया। वो सुल्तान का जो वहाँ का थानेदार था उसको इस प्रकार मारा कि भाला इतनी तेज तरीके से फेंका कि वो शाहबाज सुल्तान का तो मारा ही गया उसके साथ साथ उसका घोड़े के भी प्राण के रूप उड़ गए। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वती बाग अकबर प्रताप का अधिकार हो गया। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी है। दिवेर का युद्ध दिवेर इसको इसके युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कृष्ण अंता भाई मेवाड़ का मैराथन और मेवाड़ की धर्मपर्णी मेवाड़ का मैराथन और मेवाड़ की धर्मपर्णी ये कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर युद्ध को और ये है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, नोट कर लीजिए। जीके के प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है। मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इस प्रकार मेवाड़ पर जो है दिवेर पर वापस अधिकार कर लिया गया और मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपने आगे देखिए। दोनों चीजें हुई, पहला हम पढ़े शाहबाज खान का अभियान जो कि वर्ष पर रहा 1577 में किया। प्रताप के अंतिम अभियान में भेजा गया शाहबाज खान
सुल्तान खान, सुल्तान का द्विवेदी किले का किलेदार था और थानेदार था, उसको मार दिया अमर सिंह ने। उसके मरने के बाद में बाकी मुगल सेना वहां से पलायन कर गई और उसको कर्नल तोड़ ने, ये बात किसने कही है नोट कर दो, कर्नल तोड़, कर्नल तोड़, कर्नल तोड़ ने द्विवेदी को मेवाड़ का मेरे सिंह के नाम से पुकारा एवं हल्दी घाटी की युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से पुकारा। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट है प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान। अकबर ने 6 दिसंबर 1584 ईस्वी को जगन्नाथ कछवाहा जो कि आमेर के राजा बहराम का छोटा पुत्र था उसको अजमेर का सूबेदार बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, पर जगन्नाथ कुछ नहीं कर पाया और निराश होकर 1585 में मेवाड़ से चला गया। 1585 में वो जो है वहां से वापस चला गया। जगन्नाथ कछवाहा आक्रमण मेवाड़ पर प्रताप के समय अंतिम आक्रमण सिद्ध हुआ। अब अकबर को विश्वास हो गया कि महाराणा प्रताप को पकड़ पाना अतः उसे अपनी प्रभु सत्ता स्वीकार करने का प्रयत्न केवल एक कल्पना मात्र है। उसने मान लिया अकबर ने कि मैं नहीं कर सकता हूँ, अंतिम युद्ध हुआ था ये प्रताप की अंतिम युद्ध कब हुआ था 1585 में, 1585 ईस्वी में अंतिम युद्ध हुआ। उसके बाद अकबर को विश्वास हो गया, अकबर को ये लग गया कि मैं तो वो प्रताप की अधीनता, प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करा सकता है और जिंदा है मुर्दा वो प्रताप को पकड़ भी नहीं सकता है। अकबर ने अपना जितना दमखम था ऊपर से नीचे एडी से चोटी तक पूरा दमखम लगा लिया लेकिन वो प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। साथ ही अकबर पश्चिम उत्तर समस्या में उलझ गया था, इसी कारण प्रताप के अभियान हमेशा के लिए बंद कर दिए गए और प्रताप के प्रति जो उसका ज्वाला भड़बक गई थी प्रताप अकबर की तो वो भूल गया। उसने द्वारी जब करे मेवाड़ पर उसका ध्यान हट गया है, मतलब तो है नहीं सेना भेजो जीतती नहीं है वापस आ जाती है, सेना भेजो जीतती नहीं है वापस आ जाती है, क्या मतलब दूसरी तरह दिमाग हो। फिर आगे देखो धनुष की प्रत्यंसा खींचने के प्रयत्न में प्रताप घायल हो गया। धनुष की वो धोरी जो होती है वो प्रत्यंसा उसको खींचता है उसमें वो घायल हुआ और 1597 57 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। चाउंड से 2.5 किलोमीटर दूर बांडोली गांव में निकट बहने वाली नाले के किनारे उनका दाह संस्कार किया गया था। ठीक है ये था बांडोली गांव चाउंड के पास, नोट करो एक बार। उतारवा तक शाहबाद खान का अभियान 1577 में प्रतापी अंतिया अंतिम अभियान 1585 दिवेर का किला सुल्तान खान के अंदर में था और अमर सिंह ने सुल्तान खान को हत्या कर दी उसे मार दिया। और कर्नल टोड़ ने मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा है और मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो है हल्दीघाट के युद्ध को कहा गया है। ठीक है आगे चलते हैं उन्नीस जनवरी 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा खींचते धनुष की जो प्रत्यंचा होती है उसको खींचने के प्रयत्न में प्रताप घायल हो गए। एवं उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है और उनकी इनकी इच्छा अनुसार उनका जो बांडोली गांव में उन
उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। चामुन उनकी राजधानी थी, चामुन के पास बांडोली गांव में बरसात की नाले के पास उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार कर दिया गया मात्र 57 वर्ष की आयु में, मात्र 57 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये नोट कर लेना। 19 जनवरी 1557 को 57 वर्ष की आयु निकाला है। 57 वर्ष की आयु में धनुष की प्रत्याशा की जितने पर्यटन में प्रताप घायल हो गए और 57 वर्ष की आयु में उनका देहावसान यानी उनकी मृत्यु हो गई। और चालू के पास बांडोली गांव में बरसाती नाले के किनारे उनका दाह संस्कार कर दिया गया। इसके बारे में कहते हैं, दूसरा आडा अस लेगो अणधा पाग लेगो अणमाणी गो आडा गौ गाव जी को बैतो धूल स्वामी नव रेजे नव उठ गयो नगो आदसा नवली नगो चरे को हेठ जेठ दुनिया है देहती। जिसने कभी घोड़ों को साई सेना में बेचकर दाग नहीं लगवाया, जिसने अपनी पगड़ी किसी के आगे नहीं झुकाई, जो सदा शत्रुओं के प्रति व्यंग्य भरी कविताएं गाता था, जो समस्त भारत के बाहर की गाड़ी को बाएं कंधे से खींचने में समर्थ था, जो कभी नौरोज नहीं गया, जो साई डेरों में नहीं गया, जिसने अकबर के झरोखे की प्रतिष्ठा विश्व भर में व्याप्त थी, वह उसके नीचे भी नहीं आया। ऐसा गहलोत यानी महाराणा प्रताप विजय के साथ मृत्यु के पास चला गया। ठीक है, यह था महाराणा प्रताप के बारे में, सभी नोट कर लीजिए आप। उसके बाद में आगे देखिए, प्रताप को लगभग 12 वर्ष शांति और स्वाधीनता का अवसर मिला। 12 वर्ष तक शांति रही। इस अवसर का लाभ उठाकर उसने मेवाड़ के उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व मध्य भाग में फैले हुए मुगल थानों पर दावे बोलने शुरू कर दिए। शीघ्र ही उसने 36 स्थानों के मुगल थाने उठा लिए, जिसमें उदयपुर मोई गोगुंदा माडल पानरवा आदि थे। उदयपुर से प्रातः 1588 ईस्वी के लेख में प्राप्त द्वारा द्विवेदी साधुनाथ को जासपुर के निकट मंडेर की जागीर प्रदान करने का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि प्रताप ने उस समय तक मेवाड़ के उत्तर पूर्वी प्रदेश पर पुनर्धिकार कर लिया। उसने अपने विश्वसनीय अनुयायी को जागीरें प्रदान कर पुनर्निर्माण कार्य व्यस्त किया। 1585 के बाद उसने अपनी राजधानी चावंड के विकास पर पूरा ध्यान दिया, जहाँ उसने अनेक महल व मंदिर बनवाए। जीवधर की रचना अमरसार के अनुसार प्रताप ने ऐसा सुदृढ़ शासन स्थापित किया कि महिला और बच्चों तक तो को किसी का भय नहीं रहा। आंतरिक सुरक्षा भी लोगों को इतनी प्राप्त हो गई कि बिना अपराध के किसी को दंड नहीं दिया जाता था और शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया जाता था। ठीक है, अब आगे विद्वानों के संरक्षक के रूप में प्रताप उतार दिया हुआ आपने। विद्वानों के संरक्षक के रूप में प्रताप का मूल्यांकन या चारित्रिक विशेषताएं दो बॉइंट 1588 तक प्रतापगढ़ चित्तौड़ मांडलगढ़ अजमेर से जोड़ने वाले सभी क्षेत्रों के अलावा उसने संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया।
मुगल आक्रमण बंद होने के बाद प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष चावन में शांतिपूर्ण बिताए। शांतिकाल की राजधानी चावन में तरक्की की, यहाँ कलात्मक भवन बने, भवनों का निर्माण हुआ। प्रताप के समय रहते हुए चक्रपाणि मिश्र ने 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। नाम नोट कर लेना, विद्वानों के प्रताप का मूल्यांकन, विद्वानों के चक्रपाणि, विद्वानों के चक्रपाणि ने 3 संस्कृत रचनाएं की। ठीक है, चक्रपाणि। इसके अलावा राजा विशेष पद्धति मुतुमली नाम है। यह ग्रंथ का मंत्र गदिन सिनी शास्त्रीय पद्धति ज्योतिष शास्त्र उद्यान विज्ञान के विषय से संबंधित है। प्रताप के राज्यकाल में भामाशय के भाई ताराचंद की प्रेरणा से 1595 में हेमरतन सूरी द्वारा घोरा बादल तथा पद्मिनी चौपाई काव्य ग्रंथ की रचना की गई। सैनिकों ने त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए चारण कवि रामा शांतु बारा शांतु प्रताप की सेना के साथ रहते थे। रामा शांतु ने प्रताप के शौर्य का गुणगान करते हुए लिखा, रामा शांतु जो चारण था उसने क्या लिखा सुनिए, प्रताप एक अकबर के पक्षी के समान है जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की था पाने के लिए उड़ान भरी थी। प्रताप पक्षी था और वो जो अनंत आसमान था महाराणा प्रताप, और अकबर जो क्या था एक प्रकार से पक्षी के समान था, उसने उड़ान भरी पर वह उसको पार नहीं कर पा रहा था। अंत में हार कर उसने अपने हद में रहना पड़ा। इसी काल में चावल में प्रसिद्ध चित्रकार निसार जी हुआ था, प्रसिद्ध इतिहासकार था, चित्रकार था, प्रसिद्ध चित्रकार निसार जी, चित्रकार था। प्रताप के समय में जीके का क्वेश्चन आता है, प्रताप के समय का प्रमुख चित्रकार कौन था, निसार जी था, उसको निसार जी नासिरुद्दीन इसको कहते हैं। ठीक है, तो विद्वान संरक्षक के रूप में प्रताप था, जिसने कला और संरक्षण में उसने पूरा योगदान दिया। धीरे धीरे पूरे मेवाड़ में उन्होंने कब्जा कर लिया और एक चित्तौड़ को छोड़कर बाकी सभी जगह पर उसने अपने मुगल थाने से उनको भगा दिया, अपने सामने नियुक्त कर दिए। विद्वान भी वहाँ रहते थे, चक्रपाणि जैसे विद्वान वहाँ रहते थे जिन्होंने 3 संस्कृत रचनाएं की। इसके अलावा और भी बहुत से विद्वान रहते थे, प्रसिद्ध चित्रकार था निसार जी जिसका नसरुद्दीन इसका पूरा नाम था, ये भी वहाँ का चित्रकार था और इसने भी बहुत सारी वहाँ पे अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई जिसमें प्रताप की मूर्ति भी शामिल है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं। महाराणा की चारित्रिक विशेषता की बात करते हैं, प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं, ये आप जो भी कह सकते हैं उससे बड़ी बात नहीं है। विशेषताएं चारित्रिक विशेषता बारे में मैं लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर आपका एक था नित्य प्रवार नहीं करना, पेपर वार नहीं करना, नियत पे परमाणा प्रताप की आदत थी, नियता अगर सही होता था उस पर वार नहीं करते थे। मेवाड़ का राज चिन्ह समरसता का प्रतीक था, मेवाड़ का राज चिन्ह समरसता का प्रतीक था, जहाँ एक तरफ क्षत्रिय दूसरी तरफ वीर योद्धा, उसका जो झंडा था एक तरफ क्षत्रिय और दूसरी तरफ वीर योद्धा का चित्र लगा हुआ है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 ले रहे थे अपन, स्वतंत्रता प्रेमी थे, स्वतंत्रता प्रेमी, चौथा धर्म रक्षक, पांचवा शील एवं स्त्रियों का सम्मान करने वाले, स्त्रियों का सम्मान करने वाले। ठीक है,
प्रेरणा पुस्त है, ये नोट कर लो मेरे। प्रतापी सारे पीछे से बात करते थे, नीचे पर कभी वार नहीं करते थे, अगर जिसके पास में सैनिक के पास में शस्त्र नहीं उसने गिरा दिए तो उस पर कभी वार नहीं करते थे, ये सबसे बड़ी विशेषता थी। संस्कृत की थी, अगर वहां पे भी युद्ध की शाम धाम दंड वेद की नीति अपनाते तो शायद बहुत सारे से नीति हुए उनको मार देते तो मुगल सेना वैसे ही कम हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेवाड़ का राज सिंह जो है वो समरसता का एंड सामाजिक समरसता का प्रतीक है, एक तरफ विद्वान एक तरफ क्षत्रिय एक तरफ वीर योद्धा का चिन्ह बना हुआ है। आप सभी देखो उसका लोगो देखो तो एक तरफ वीर योद्धा है जिसके हाथ में भाला है और एक जो है मेवाड़ का क्षत्रिय योद्धा है। तो ये स्वतंत्रता प्रेमी थे, हमने पढ़ लिया, अभिता स्वीकार नहीं की किसी भी कीमत में नहीं की, उनको जंगल में रहना पड़ा, उनको घास की रोटियां खानी पड़ी, अमर सिंह छोटा था उसको भी घास की रोटियां खानी पड़ी, उनको जंगलों में पेड़ों पे घास में जमीन पे सोना पड़ा, जो कि वो इतने बड़े साम्राज्य के अधिकारी थे। अगर वो एक भी बात कह रहे थे महाराणा प्रताप को हाँ मैं तेरे अधीन हूँ तो शायद आप सोचिए उनके जीवन कैसा होता, लेकिन नहीं, बात जीवन से नहीं है, बात यह है कि उन्होंने स्वतंत्रता प्रेमी थे, अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए आज हम व्यवहार का पूरा महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है, और कितनी मनाई जाती है, उदय सिंह की कौन मना रहा है, राणा सांगा की कौन मना रहा है, कुंभा की कौन मना रहा है, पृथ्वीराज की कौन मना रहा है, लेकिन इसकी महाराणा प्रताप की जयंती हमेशा मनाई जाती है, जून के अंदर आती है, ठीक है। उसके अलावा धर्म के रक्षक थे, अपने धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने चाहे जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को झुकने नहीं दिया, मेवाड़ के झंडे को झुकने नहीं दिया। शील एवं शील स्वभाव के थे, अच्छे स्वभाव के थे, तभी सामंत इनकी जगमार को गद्दी पर नहीं बिठा, इनको गद्दी पर बिठाना पसंद करा, और स्त्रियों का सम्मान करने वाले थे, और स्त्रियों का भी बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, ठीक है। नेक्स्ट वो लिख लो, इसके बाद में पॉइंट अगला है प्रेरणा पुरुष, पॉइंट नंबर 6 प्रेरणा पुरुष थे वो, ठीक है। उसके बाद शिवाजी इनके अनुगामी, इसको छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सत्रसाल भूमिका शासक, और पढ़ा था आपने हमें जो है अभिनव भारत इसके सदस्य भी वहां जाके विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ पे जाकर विजय स्तंभ के सामने और घोषणा करते थे, जब भारत स्वतंत्रता आजाद हुआ था तभी इसकी सदस्यता मिलती थी। और 17 साल इन्होंने इसमें भी प्रताप के जैसे व्यवहार किया, उनकी तरफ से भी अधीनता स्वीकार नहीं की, शिवाजी ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। उनकी और एक उनकी विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा के धनी के संदर्भ, ठीक है। ये 7 पॉइंट है, ये भूपी में आपको बता देना, 5 महीने चलता ही है। प्रेरणा पुरुष थे और उनसे प्रेरणा लेके शिवाजी ने 17 साल में और वीर दामोदर साल ने अभिनव भारत की रचना की थी, अभिनव भारत की संस्था का गठन किया। उस संस्था का कोई किसी को भी सदस्य बनना है तो सबसे पहले वहाँ पे विजय स्तंभ के सामने उसे शपथ लेनी पड़ती थी कि मैं अभिनव भारत का सदस्य बनते हुए इस बार जो भी इसके सदस्यों बनते समय जो भी इसकी नियम है, जो भी शर्तें हैं, जो भी लक्ष्य है, मैं उन लक्ष्यों को पालन करूँगा, प्रतिज्ञा करता हूँ, जैसे हम उसमें प्रतिज्ञा करते हैं ऐसी प्रतिज्ञा करवाई जाती है, ठीक है। और विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, तभी भामाशाह जैसे जो बनिए थे जिनके पास पैसा था उन्होंने आपको बताया था मैंने कितने लाखों में पैसा दिया, कितने लाखों में असरपियाँ दी जो सोने की चांदी की होती थी, उस प्रकार उनको वापस देवा के मौका मिला, धीरे धीरे उन्होंने वापस अपने को कब्जे में कर लिया और 1597 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ताज जिंदगी उन्होंने जो है इसका स्वाभिमान का और अपने देश प्रेम का साथ नहीं छोड़ा। उतार लो एक बार वापिस, प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं, प्रेरणा पुरुष थे और
विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ठीक है, तो आज तक यही है, अब मिलते हैं हम वीर दुर्गादास राठौर में जो नया वीडियो आएगा हमारा, तब तक के लिए इसे नोट कर लेना, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।